ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। गिरिडीह में केंद्र की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना में भारी अनियमितता पाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील कुमार बंडवाल ने सदर प्रखंड में योजना का जायजा लिया। इस दौरान घटिया सामान के इस्तेमाल पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। हर घर नल का जल योजना में अनियमितता, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने लगाई फटकार। गिरिडीह में हर घर नल का जल योजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील कुमार बंडवाल जब सदर प्रखंड में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जायजा लेने पहुंचे तो इसकी पोल खुल गई। सुनील बंडवाल ने मटरुखा और अगतोनी खुद पंचायत में हर घर नल का जल योजना का जायजा लिया। इस दौरान घटिया निर्माण पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और पीएचईडी के अधिकारियों को फटकार भी लगा। सरकार ने पैसे लगाए ना इसके लिए, और अब आप जो है वो ठेकेदार तो चल देगा। अब ये यहाँ का आदमी सोचेगा कि सरकार ने बेकार का काम करा दिया, एकदम जैसे तैसे केवल पानी जोड़ दिया। नहीं, आपको गांव गांव एक बार एक बार एक गांव का एक स्कीम है या दो है तीन है, जितना में कवर होगा तो एक बार आकर के थोड़ा चेक नहीं करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील कुमार बंडवाल ने कहा कि केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना में जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है, ठेकेदार घटिया सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पीएचईडी के अधिकारियों को योजनाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया, साथ ही घटिया सामान को बदलने का निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदार घटिया निर्माण कर चला जाएगा और पानी नहीं मिलने पर लोग केंद्र सरकार को कोसेंगे और कहेंगे कि केंद्र ने घटिया निर्माण कराया। सुनील बंडवाल ने घटिया सामान लगाने वाले ठेकेदार पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। तो वाकई में अगर अधिकारी सही तरीके से उन योजनाओं का जायजा लेते रहे जो उन्हें धरातल पर उतारना है तो जाहिर सी बात उसमें कोई गड़बड़ी पाई नहीं जाएगी, वो हर एक स्तर पर होना भी चाहिए। इसी कड़ी में संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के सुनील कुमार बंडवाल यहां पर पहुंचे थे। हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए श्रीकांत, सबसे पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब गृह सचिव मतलब गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुनील कुमार बंडवाल, लेकिन वो आए थे दौरे पर, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उन्हें टास्क मिला होगा, तो ये चीजें क्या क्या रही, उन्होंने क्या क्या दौरा किया, मतलब गांवों का दौरा किया, पंचायत का दौरा किया, फिर कैसे दौरा किया जो फटकार लगाई उन्होंने? हाँ जी, देखिए पंकज, आज जो संयुक्त सचिव हैं गृह मंत्रालय के डॉक्टर सुनील कुमार बंडवाल, वो गिरिडीह पहुंचे थे और कई जो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है, कई सारी योजनाएं, उन सभी योजनाओं का उन्होंने जमीनी स्तर पर दौरा किया। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी जो केंद्र से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालांकि वो पहले भी झारखंड में रह चुके हैं, जो झारखंड के हर रग रग से वो वाकिफ है और वो जमीनी स्तर पर जाकर दौरा कर रहे हैं। साथ में जिले के जो उपायुक्त हैं नमन प्रियस लकड़ा, वो भी मौजूद थे, डीडीसी मौजूद थे, सदर एसडीपीओ सुरक्षा के लिए मौजूद थे। और इस दौरान उन्होंने पहले सदर प्रखंड के मटरुखा पंचायत में जो अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है उसका निरीक्षण किया। हालांकि उस योजना से वो संतुष्ट दिखे, उन्होंने योजना के बारे में बताई, कई जो और बारीकियां थी उन्हें अधिकारियों को बेहतर तरीके से समझाया कि भाई इससे फायदा क्या होना है और सरकार आखिर ये योजना ला किसके लिए रही है और इसका मकसद क्या है। उसके बाद वो पहुंचे थे नल जल योजना का निरीक्षण करने के लिए, जहां पर नल जल योजना से पानी सो बखूबी तरीके से मिल रहा था, जो जल है वो नल के माध्यम से घरों तक आ रहा था, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी गुणवत्ता में और सुधार की जरूरत है। और अधिकारी आगे से जो फील्ड विजिट है, जो लगातार दौरा है, जो भी संबंधित विभाग हैं वो विभाग लगातार ग्राउंड में जाकर देखें, ये दौरा करें और ये सुनिश्चित करें कि सरकार जो भी पैसे भेजती है जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, उसका इस्तेमाल सही तरीके से कितने प्रतिशत हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसकी सुनिश्चितीकरण जो है इसका, इस योजनाओं का जो जमीनी स्तर पर निरीक्षण है वो जाकर करें। इस दौरान उन्होंने पीएचडी विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसके बाद वो जमुआ गए, उसके बाद वो कलेक्टोरेट में उपायुक्त समेत तमाम जिले के जो विभाग हैं और जो केंद्र के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे वो जल शक्ति योजना हो,
जल लंड योजना हो, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर इरिगेशन फार्मिंग का कार्यक्रम हो, या फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो कार्यक्रम हो, सभी योजनाओं की जो है डिटेल में वो उन्होंने बैठक की अधिकारियों के साथ। उसके बाद में जो एक जरूरी बात जो हमारी जानकारी में आया, उन्होंने सबसे फटकार लगाई गई थी, फटकार या नसीहत के तौर पे थी या फिर कुछ कार्रवाई जैसे भी उसमें बात नजर आई? जी देखिए, लगभग जो योजना थी वो सही तरीके से थी, और योजना किस तरीके से सुदृढ़ हो और योजना किस तरीके से बेहतर हो उसे लेकर उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तक जो काम किया है आपने उसकी मॉनिटरिंग और गहरे स्तर पर होनी चाहिए, और योजनाओं में जो मजबूतीकरण है, जो क्वालिटी है, उस पर और विशेष ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। और निश्चित तौर से पंकज, जब अधिकारी आते हैं, जब फील्ड विजिट को वो जाते हैं, तो इससे जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि आप जो योजना धरातल पर उतार रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगातार अधिकारी मुस्तैद हैं। तो आप जो योजना, चाहे वो सुदूरवर्ती इलाके में हो चाहे शहरी इलाके में हो, अब जो योजनाएं जो है वो सिर्फ फोटो या तस्वीरों से काम नहीं चलने वाली है, अब योजनाओं का जो निरीक्षण है वो अधिकारी धरातल पर जाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, उपायुक्त ने भी लगातार, उपायुक्त भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कई योजनाओं की, उपायुक्त ने भी इस दौरान बातें कही हैं कि जो और मजबूती है इन योजनाओं में, गुणवत्ता में, उसको और लाने की जरूरत है, अन्यथा जो है संवेदक जो है उन पर कार्रवाई हो सकती है, जो विभाग के संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। बिल्कुल श्रीकांत, तो ये दौरे होते रहने चाहिए और जो डर है संवेदकों में वो बने रहना चाहिए, क्योंकि ये पैसा सरकार का नहीं होता, ये सरकार का नहीं जनता का ही पैसा होता है जो सरकार के जरिए उस संवेदक तक पहुंचता है जिसे जनता का काम ही करना होता है। तो वो इस बात को समझे, ये बहुत जरूरी है, वरना ब्लैक लिस्टेड होने में किसी संवेदक को ज्यादा टाइम लगता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े श्रीकांत, जानकारी दी और बताइए कैसे सुनील कुमार बंडवाल यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने भी इस बात को पाया, संवेदक को दिशा निर्देश दिए गए कि उन्हें करना है काम किस तरीके से और कैसे गुणवत्ता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।